हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टीम के द्वारा 10 प्लस कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश एसआई एएसआई की जो आपकी आगामी वैकेंसी है, और साथ ही साथ लेखपाल में इससे पहले जो कोर्स चला है उसमें जीएस के जो कुछ पोर्शन बाकी है उन सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। अभी जो लेखपाल वाले हैं उनके लिए मूल विधि अलग होगी, मानसिक अवरेज परीक्षण चल ही रहा है तो मूल विधि आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी अलग से सारी क्लासेस, और इसमें पॉलिटी में जितना कुछ आपका बाकी रह गया उसके लिए फिर से पूरी रिपीट क्लासेस चलेंगी। तो पूरी तरीके से आपका यह पोर्शन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका पॉलिटी और मूल जो आपकी विधि है, इन दोनों से मिलाकर जो प्रश्न आपके बनते हैं इन सभी पर हम बहुत अच्छे से जो है कवर करेंगे, ताकि यहां से जो बनने वाले आपके पूरे प्रश्न हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। तो तैयार रहना है आपको, बहुत अच्छे से सारी ढंग से हर एक चीजों को पढ़ना है। क्लासेस सारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर आपको इन क्लासेस के जो है नोट्स चाहिए तो उसके लिए 3 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन प्लान चल रहा है, इसको आप लोग ले सकते हैं 499 में। 3 महीने तक की आपकी सारी क्लासेस जो दिन में हम 4 उपलब्ध करवा रहे, जल्दी क्लासेज आपकी बढ़ जाएंगी। तो उसमें जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको एक अच्छी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाद में जितना कुछ हम पढ़ा रहे सभी का कंबाइन एक पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप प्रिंट उसे करवा के अपने पास सुरक्षित रख सके। ठीक है, आपको किसी भी प्लान से जोड़ना है, कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई जानकारी चाहिए, उसके लिए ये दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह सबसे महत्वपूर्ण आपका भाग है, और वह महत्वपूर्ण भाग के तौर पर है आपका सरकार का तीसरा अंग। क्योंकि जब हम सरकार के बारे में पढ़ते हैं तो भारत सरकार के बारे में आप जानते ही जानते हैं, कहीं भी सरकार होती है तो सरकार चलाने के लिए किसी भी देश में वहां पर सरकार के अलग अलग अंगों को शक्ति विभाजन के रूप में बांटा जाता है। भारतीय संविधान की बात करें तो यहां सरकार के 3 अंग बनते हैं। पहला अंग आपका होता है, जो सबसे जरूरी अंग है, यह कहलाता है आपका विधायिका, लेजिस्लेटिव हम बोलते हैं। अपने यहां विधायिका 2 स्तरों पर पाई जाती है, केंद्र के स्तर पर आपकी पार्लियामेंट होती है संसद, और हर एक राज्यों की अपनी अलग विधायिका होती है जिसको हम राज्य सरकार, जो कि भारतीय संविधान में अलग कानून है उसमें सारा वर्णन पढ़ते हैं। दूसरी बात हमारे यहां आती है सरकार का जो प्रमुख अंग है, यह आती है आपकी कार्यपालिका। विधायिका का कार्य होता है कि कार्यपालिका का जो है विधायिका का कार्य होता है कि उसे संविधान ने पावर दी है कि आप लॉ को बनाएंगे, कानून को बनाएंगे। कार्यपालिका देखती है कि विधायिका ने जिन कानूनों का निर्माण किया है इन कानूनों को हम कैसे लागू कराएंगे, इन्फोर्समेंट जो आपका होता है कानूनों का वह सारी जिम्मेदारी होती है किसकी, आपके कार्यपालिका की। कार्यपालिका में 2 तरीके की कार्यपालिका होती है, हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में एक सबसे अभिन्न अंग है वह है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ अगर हर एक राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर आपके राज्यपाल होते हैं। चाहे केंद्र स्तर की बात करें, जो राष्ट्रपति होता है यह आपके विधायिका का अभिन्न अंग यानी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। वहीं अगर राज्य स्तर पर बात करते हैं तो राज्यपाल आपके राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इन दोनों की जिम्मेदारी यह है कि विधायिका चाहे राज्य की है चाहे केंद्र की है, जब यह कानूनों का निर्माण करती है तो उन कानूनों पर अपनी जो है सहमत देना या संस्तुत देना, जिससे कि वह कानून आपके, ठीक, सबसे पहले कोई बिल होता है, प्रस्ताव होता है, वह प्रस्ताव जब दोनों सदनों से पारित होता है तो उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, हस्ताक्षर के बाद वह कानून बनता है, लॉ बनता है, और जब वह कार्यपालिका के द्वारा इन्फोर्स करा दिया जाता है, द गजेट ऑफ इंडिया यानी भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है तो वह कानून लागू हो जाता है। ठीक है, कानून का बनना और कानून का लागू होना दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इनके द्वारा कानून बनाया गया, इनके द्वारा कानून लागू किया गया, तो सरकार में एक और अंग बनाया गया कि मान लीजिए विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो असंगत है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए बिठाई गई है न्यायपालिका। न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वह कानून क्या भारतीय संविधान की नजर से असंगत तो नहीं,
उन कानूनों की जांच करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ यह ये भी देखती है कि जो कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू करवाए गए इसका लाभ सभी को मिल रहा कि नहीं। अगर किसी के साथ गलत हो रहा, किसी के अधिकारों का यहां शोषण हो रहा, तो उसके लिए न्यायपालिका यह इंश्योर करती है, ठीक है, कि कानून आपके सही ढंग से हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे। तो ये इन्फोर्समेंट है, ठीक है, कानूनों का निर्माण लागू करना है, और यह आपका इंश्योर करती है कि जो कानून आपके बने हैं वह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हैं। आज हम इसी आपके अंग पर, तीसरा जो सबसे जरूरी अंग है न्यायपालिका, इसी न्यायपालिका पर परिचर्चा करेंगे। न्यायपालिका भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, यानी बिना किसी हस्तक्षेप के यह अपना कार्य करती है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है यह संघीय रूप में है, ठीक है, हमने संघीय रूप अपनाया तो, लेकिन न्यायपालिका को हमने एकीकृत न्यायपालिका अपने यहां लागू की, ठीक। न्यायपालिका हमने कैसी लागू की? एकीकृत, यानी ऊपर से नीचे तक पूरी न्यायपालिका एक के जो है अधीन में पूरी की पूरी आती है। तो न्यायपालिका का अगर जिक्र देखें तो भाग 5 और भाग 6 से यह निचोड़ निकला है, जिससे आपके सबसे ऊपरी स्तर जहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, उसके बाद हम बात करते हैं तो हर एक राज्यों की अपनी उच्च न्यायालय होते हैं, और उसके बाद राज्यों के अंतर्गत जो आपके जिले हैं उन जिलों में आपके जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आपका सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है, पूरा प्रावधान यहीं से चलता है। जहां बात आती है सुप्रीम कोर्ट के जिक्र की, तो आप सारे लोगों ने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम कलकत्ता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सबसे पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसमें उस समय 4 जो है आपके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे। उस समय जो आपकी कलकत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे थे। कौन थे? सर एलिजाह एम्पे थे, अन्य 3 सदस्य भी इसमें थे, ठीक। उस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाद में उस दौरान जब यह बना तो जो दीवानी के अधिकार थे और जो राजस्व के अधिकार थे दोनों उठा के किसको दे दिए गए थे? न्यायपालिका को दे दिए गए। बाद में अंग्रेजों ने कुछ और इसमें अमेंडमेंट किया, कुछ और इसके राजलेख आए जिसके माध्यम से इसके जो राजस्व का अधिकार था वो पुनः कंपनी को वापस दिया गया था। तो यह 73 से शुरुआत होती है, तो 73 के बाद फिर बंगाल हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रांत रह रहे जो आपके ब्रिटिश अधिकारियों के आधिपत्य में जाते गए, उन सभी के लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, ठीक है। बात होती है 1935 की, 1935 की। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उस भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायपालिका का जिक्र किया गया कि अब एक हम संघीय न्यायपालिका भारत देश में स्थापित करेंगे। तो संघीय न्यायपालिका सिर्फ बोला गया लेकिन वह अंग्रेज लागू करने में विफल हो गए। जब हमें आजादी मिलती है, आजादी के बाद जब सारे प्रावधान भारत में लागू हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका जनवरी 50 में ही क्या किया जाता है, भारत में एक न्याय एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब हुआ कि जो है जो सर्वोच्च आपकी है सुप्रीम कोर्ट है, इसी के अधीन सारे आपके हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के अधीन में आपके सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन में आपके सभी के सभी मुंसिफ न्यायालय होते हैं। मुंसिफ न्यायालय के अलावा आपको कुछ ग्राम स्तर पर जो हम न्याय पंचायत कहते हैं, कुछ ग्राम स्तर ऊपर यह पाई जाती है। तो इसका ऊपर से नीचे प्रारूप जो बनता है वह ऐसे प्रारूप पूरा आपका बनता है कि केंद्र के लिए आपकी सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हर एक राज्यों के लिए आपकी क्या बैठी है, हर एक राज्यों के लिए आपकी जिला जो है राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है और इसकी संख्या 24 है, ठीक। और उसके बाद हर एक जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और यह हर एक जिले स्तर पर होती है। तो जितने जिले हैं भारत में वहां सभी के लिए इनकी व्यवस्था है, और साथ ही साथ मुंसिफ कोर्ट हर एक जिले में होती है, और न्याय पंचायत ये किन्हीं किन्हीं ग्रामों पे पाई जाती है। तो यह पूरा अपना प्रारूप चलता है, ठीक है, न्यायपालिका का। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और समझते हैं।
न्यायपालिका को अगर ढंग से देखा जाए तो इसमें आपके समक्ष दिया है कि न्यायपालिका का जो स्वरूप आपको मिलेगा, सबसे पहले आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, सबसे ऊपर आपका क्या होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, और उच्चतम न्यायालय के बाद में ठीक हर एक राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं, हर एक राज्य में आपके हैं, इनकी संख्या 24 है कुल। साथ ही साथ जिला एवं सत्र न्यायालय हर एक जिले में आपके पाए जाते हैं, हर एक जिले में इनकी स्थापना है, और उसके बाद मुंसिफ न्यायालय आते हैं, हर एक जिले में मुंसिफ न्यायालय होता है, और कहीं कहीं पर गांव स्तर पर आपको ग्राम पंचायत का भी जिक्र मिलता है, हर जगह नहीं है। तो यह आपके एकीकृत न्यायपालिका का स्वरूप है, ठीक है, पूरा का पूरा मतलब सर्वोच्च सारी चीजें क्या है, यहां सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये सारी कोर्टें काम करती हैं, समझ गए, इसी चीज को अब हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका का जो स्वरूप देखने को मिलता है, यह सुप्रीम कोर्ट से लेकर के उच्च न्यायालय में विभिन्न कैसे कैसे कोर्ट होते हैं, और जिला न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो जिला न्यायालय पर कैसे कैसे आपके न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो इस फिगर को आपको दिमाग में हमेशा बनाए रखना है कि यह फिगर आपका दिमाग में आपके हमेशा बना होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कि ये जितने न्यायालय की स्थापना की गई है, इसके अधीन कौन कौन से न्यायालय किसके अधीन आते हैं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है, बहुत सबसे पहले हम सबसे ऊपरी स्तर से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद निचले स्तर पर। अगर बात करते हैं केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वहां पर एक ही कोर्ट है, वहीं सारे विवादों का उच्च न्यायालय आपके जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट थ्री में, इनका गार्जियन भी माना जाता है। अगर शोषण होता है तो उसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी करता है, और रिट के माध्यम से आप सभी के जो है अधिकारों को पुनः वापस दिलाता है। साथ ही साथ हर एक राज्य स्तर पर आपका उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, उच्च न्यायालय भी आपके जितने भी राज्य से संबंधित मामले हैं उनकी सुनवाई करता है, साथ ही साथ यह देखता है कि आप किसी भी उच्च न्यायालय में, ठीक है, अपने राज्य वाले में तो आप फ्री ही हैं, लेकिन आप पर कोई भी अत्याचार हो रहा और आपके राज्य का कोई न्यायाधीश किसी अन्य उच्च न्यायालय में पोस्टेड है, तो आप पत्र के माध्यम से उसको जानकारी भेज सकते हैं और वह उस पर सुनवाई कर सकता है। न्यायालय को मान लीजिए, न्यायालय आप मान लीजिए बाजार जा रहे हैं, ठीक है, बाजार गए और आपकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो मुकदमा कौन लिखाएगा, बताइए, सोचिए, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। आप बाजार जा रहे और आपको गोली मार दी गई, आपकी डेथ हो जाती है, मुकदमा कौन लिखाएगा? आप जवाब देंगे घर वाले, घर वाले नहीं जाते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है, अनाथ बच्चा है, उसको गोली मार दी गई, कोई नहीं है उसका, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र है, कोई नहीं है, अनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो फिर कौन आएगा सामने? तब आप पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को या पावर होती है कि वह स्वतः संज्ञान में मुकदमों को ले सकता है, वो स्वयं से मुकदमा दर्ज करवा सकता है कि इस घटना, ये जो घटना हुई है, ये घटना क्यों हुई है, इसका पूरा मुझे विवरण उपलब्ध करवाया जाए। तो न्यायालय स्वयं से भी कार्य करते हैं, इनको अधिकार दिया गया है किसी भी चीज पर यह स्वतः संज्ञान मामले में उसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन आप लोग कर रहे हैं, इसकी बाकायदा न्यायालय को अधिकार होता है कि वह इन चीजों को देखे। अब बात करते हैं, जब हम राज्य स्तर पर बात करते हैं कि राज्य स्तर पर जो उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत बहुत सारे न्यायालय राज्य स्तर पर मिलते हैं, कौन कौन से, एक आपका श्रम न्यायालय है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही है, दूसरा परिवार न्यायालय होता है, ठीक है, इसी में आपके कुछ विशेषीकृत न्यायालय पाए जाते हैं, परिवार न्यायालय आपका जिला स्तर पर भी होता है, श्रम न्यायालय की भी स्थापना की जाती है, लेकिन श्रम न्यायालय अधिकतर आपके उच्च जो है यही राज्य स्तर पर ही होते हैं, लेकिन जिला न्यायालय आपके ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आते हैं। अब कुछ इसमें जो उच्च न्यायालय है, इसके अंतर्गत कुछ विशेषीकृत न्यायालय है, कौन कौन से हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, भले ही जो है कोर्ट जैसी आकृति ना देखें, लेकिन इनको न्यायालय की संज्ञा दी गई है। जैसे इसके अंतर्गत प्रशासनिक जो आपका न्यायाधिकरण होता है, वह विशेषीकृत न्यायालय के अंतर्गत आता है। आयकर जो न्यायाधिकरण है, यह भी आपके इसी विशेषीकृत न्यायालय के अंतर्गत है।
साथ ही साथ वाहन दुर्घटना से संबंधित जो न्यायाधिकरण होता है, ठीक, बीमा क्षतिपूर्ति, ये सब उनकी भी सुनवाई के लिए एक अलग न्यायाधिकरण है। साथ ही साथ किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण आपका अलग है, और एक सबसे महत्वपूर्ण आपका एनजीटी जिसको आप बोलते हैं, नेशनल जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, इनका पूरा का पूरा न्यायाधिकरण अलग है। तो ये सभी के सभी एक न्यायालय जैसे कार्य करते हैं, पूरा सभी का अलग पूरा क्षेत्र बटा हुआ है, और अपने क्षेत्र में सब कुछ ये सर्वोच्च की तरीके से कार्य करते हैं। किसी को दंड देने का, किसी पर जुर्माना लगाने का इनको अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय हमेशा आप लिखा देखते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय। क्या जिला न्यायालय अलग है, सत्र न्यायालय अलग है? देखो, जहां पर मानो है हम लोग, अब पता चलता है कि पेपर आप पढ़ते हैं सारे लोग, तो पता चलता है कि पड़ोसी ने मेड़ काटी तो मारपीट, जहां मारपीट हो गई, जहां प्यार से बात चल रही वहां तो ठीक है, ठीक है, प्यार से बात चलेगी तो दीवानी होगी, ठीक। तो ऐसे मामले आपके दीवानी के अंतर्गत आते हैं, तो इनको अलग, इनके लिए सुनवाई का अधिकार दिया गया। और जहां मारपीट, ठीक है, तमंचा कारतूस बम ये सब चल गया, वहां फौजदारी हो जाती है, ठीक है, तो वो मामले आपके फौजदारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब चाहे मेढ कटी हो या वैसे ही मार हुई हो, मारपीट का मामला फौजदारी हो जाता है सीधा सीधा। और जहां पर प्यार मोहब्बत से बात चल रही है, वहां पर सब दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। दीवानी मामलों में जो सुनवाई करता हुआ जिला न्यायालय होता है, और जिला न्यायालय के अंतर्गत उप न्यायालय होते हैं, और इसमें जो आपका एक और इसके अधीन कार्य करता है वह होता है मुख्य कनिष्ठ दीवानी न्यायाधीश न्यायालय। ये आपके दीवानी मामलों को देखने वाले पूरे न्यायालय होते हैं। अब न्यायाधीश में कहीं कहीं आप लिखा देखते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वो दोनों की जब सुनवाई करने लगता है तो वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोनों घोषित हो जाता है, ठीक। अधिकतर ये होता है, कहीं कहीं पर आपका जब आप किसी मुकदमे के लिए गए होंगे कोर्ट में, तो वहां पता चलता, अच्छा सीजीएम साहब की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अच्छा प्रथम श्रेणी वाले के यहां कुछ सुनवाई चल रही है, द्वितीय श्रेणी वाले। तो ये जो होता है फौजदारी जो आपके होते हैं, इनके मामले सत्र न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और एक दूसरी कोर्ट होती है जो द्वितीय आपका श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। कभी कभार ठीक है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों शक्तियां जो है एक ही मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है। तो ये वहां पर डिपेंड होता है कि उस जिले का आपका रवैया कैसा है, ठीक है। अधिकतर आपको दोनों श्रेणी के मिलेंगे, तो सीजीएम साहब जो कोर्ट में सुनवाई होती है वो चीज ऐसे होती है आपके जिला एवं सत्र न्यायालय में, मतलब जिला न्यायालय है तो दीवानी मामलों की सुनवाई होगी, और सत्र न्यायालय है तो वहां पर आपकी किसकी सुनवाई होती है। सत्र न्यायालय में आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इनको दंड देने का अधिकार होता है, एक सीमा होती है, उसके अंतर्गत ये जो है दंड निर्धारित करते हैं। अब वही चीज देख लेते हैं, जहां पर महानगर है आपके, जिन जिन आपके स्टेट में महानगर है, वहां पर महानगर में मेट्रोपॉलिटन न्यायालय होते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन आपके न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, और इसमें भी वही जैसे जिला स्तर पर आपके दीवानी और सत्र न्यायालय है, वैसे ही इसमें भी होता है। दीवानी मतलब मनुष्य जाए भाई, जाहिर सी बात है मारपीट तो होगी ही, तो इसके लिए भी दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय की जो है व्यवस्था की गई है। दीवानी को यहां पर शहरी दीवानी न्यायालय बोल देते हैं, और जो फौजदारी है उसको सत्र न्यायालय बोलते हैं, यहां भी वही न्यायाधीश बैठते हैं, ठीक है। तो ये पूरा खाका अपने यहां है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो सबसे निचला स्तर है आपका, वहां तक कैसे कैसे पंचायतें किनके अधीन कौन से न्यायालय आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और विधिवत इन सारी चीजों के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कौन किसके अंतर्गत आता है। अब हम बढ़ते हैं, इसमें जो जो चीजें आपकी दी हुई हैं उनको हम लोग अच्छे से परिचर्चा करते हैं कि कौन सी चीज आपकी कहां पर आती है, ठीक है। एक एक चीजों को अब अच्छे से समझते हैं कि संवैधानिक आपका प्रावधान कौन कौन सा है, और कैसे कैसे हमें हर एक चीजों को समझना है। ज्यूडिशरी को लेकर के भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से जो शुरुआत होती है, तो किसमें कौन सी व्यवस्था की गई है, इन्हें को हम लोग देखते हैं। देखिए, अपने यहां सबसे पहली बात आई एकीकृत न्यायपालिका है, इसी बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीजें सब कुछ उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और इसके अधीन जितने उच्च न्यायालय हैं इनकी स्थापना है, ठीक।
साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि यह 1935 के अधिनियम से ली गई है, उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना का प्रावधान है या एकीकृत न्यायपालिका की जो स्थापना का प्रावधान है या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरी बात, अगर देखा जाए, अपने यहां पूछता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, सवाल बहुत बार आया है। साथ ही साथ भारत सरकार अधिनियम जो 1935 रहा, इसके तहत उस समय जो संघ न्यायालय का प्रावधान लागू किया गया था, यह उसी का उत्तराधिकारी बना, मतलब उसी के स्वरूप को इसने ग्रहण कर लिया। और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जब बात की जाती है तो भारतीय संविधान के भाग 5 में उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र, शक्तियां, व्यवस्था आदि सभी का उल्लेख आपको मिलेगा। तो अब इसके गठन की ओर हम परिचर्चा करते हैं। गठन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 1773 में सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। वर्तमान समय की अगर बात करते हैं, अभी एक चूंकि ये करंट का मुद्दा है, कुछ दिन पहले न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या में फेरबदल हुआ है, तो इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश आपके हैं, 34, याद रखना, एक मुख्य न्यायाधीश है। मूलतः अगर बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1950 में 28 जनवरी को, तब इसमें 8 न्यायाधीश थे, इसको भी सवाल कई बार पूछा है, 8 न्यायाधीश थे, ठीक है, एक उसमें सीजीआई था और 7 आपके अन्य उच्च न्यायाधीश थे। बाद में धीरे धीरे ये लगातार जैसे ही समय की जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे जो है ये संख्या बढ़ती चली गई और 8 से लेकर के आज 34 आपके सब मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर इसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, अब न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं, तो एक आपका सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और बाकी इसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो आपका सीजीआई होगा या इनमें अन्य जो आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, अन्य न्यायाधीश, उन सभी की नियुक्ति को लेकर के राष्ट्रपति है, ठीक, वो आपके उच्चतम न्यायालय में जब नियुक्ति करना है तो सीजीआई की सलाह लेता है, ये सारी पावर्स उसको मिली हैं, वो उनकी नियुक्ति करता है। अब इसमें कुछ चीजें और जरूरी हैं, अगर न्यायाधीश आपको बनना है तो आपको कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक, जरूरी है, क्या, सबसे पहली चीज तो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि अपने यहां जो प्रमुख पद है उन पर केवल भारतीयों की नियुक्ति हो सकती है, प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नियुक्त किए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। साथ ही साथ उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 साल तक का अगर वकील है तब भी उसको बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में अगर आप 10 साल लगातार वकालत किए हैं तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने के काबिल, जो है जज बनने के काबिल है। देखो, वकील और जज दोनों के दोनों न्यायिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, अब भाई पढ़ाई तो दोनों वही करके गए, वकील के पास बहुत अनुभव होता है, जज के पास तो जो मुकदमे गए वही देखता, वकील तो हर एक मुकदमों में सोचता है कैसे तोड़ निकाले, तो वो बहुत सारी चीजें पढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति के मत में अगर वह पारंगत विधिवेत्ता है तब भी उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को यह पता होना चाहिए कि अच्छा ये विधिवेत्ता बहुत बढ़िया है, मतलब विधि का ज्ञाता है, तो राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है, ठीक, ये राष्ट्रपति की मर्जी है। अब शपथ या वचन क्या लेगा, अगर आपको न्यायाधीश बनाया जाए तो आप जो है गद्दी संभालने से पहले शपथ लेते हैं, और क्या क्या शपथ लेंगे, जाहिर सी बात है, शपथ में आपके सबसे पहले चीज आती है कि भारत के संविधान के प्रति विश्वास एवं आस्था, ठीक है, रखूंगा ही रखूंगा, सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण बनाए रखूंगा, अपनी सर्वोच्च योग्यता एवं ज्ञान के साथ विश्वास पूर्वक बिना डर एवं पक्षपात के सत्यता के साथ सत्यता के अनुरूप फैसला सुनाऊंगा। ये सब हम शपथ लेते हैं वहां पर न्यायाधीश बनने पर। फिर न्यायाधीशों का कार्यकाल, कार्यकाल से हमेशा सवाल पूछता है, सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश है तो भैया वो 65 साल अपने पद पर रहेगा, ठीक है, 65 की आयु तक बना रहेगा, लेकिन जब उच्च न्यायालय में होगा तो वहां परिवर्तन हो जाता है, याद रखना, पता चले तैस तैस में वहां गलत कराए। उसके बाद राष्ट्रपति को वह लिखित रूप से त्यागपत्र दे सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है।
और अगली चीज, महाभियोग अभी तक किसी पर नहीं लगा है, बात चली थी लेकिन नहीं जो है पारित हुआ था। कुछ दिन पहले आपके जो मिश्रा जी थे, दीपक मिश्रा सीजीआई, उन पर बात चली थी, कई जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुद्दे को उठाया था, तो हालांकि आपका ये कुछ चला नहीं वहां पर महाभियोग की प्रक्रिया। वेतन भत्ता आप सारे लोग जानते हैं भैया कि वेतन भत्ता, पेंशन, अवकाश, ये सारी चीजें संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है समय समय पर और वहीं से इनको मिलता है। लेकिन अलाभकारी परिवर्तन अगर न्यायाधीश बैठा है तो उसके कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाए, वेतन वेतन घटाया नहीं जा सकता, बढ़ा जरूर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है क्या, इन्हीं की पावर को समझते हैं क्योंकि ये बहुत मेन आपका रोल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कैसे? मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त है तो, दूसरी बात, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता, और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में अगर असमर्थ हो तो राष्ट्रपति एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे संसद में मान लीजिए आपका किसी में अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आ गया, उपाध्यक्ष नहीं तो अन्य जो लोगों की आपकी टीम बनाई जाती है उसमें से कोई आ गया, ऐसे इसमें भी होता है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, मान लीजिए जब सीजीआई नहीं मौजूद है उस दौरान के लिए। आगे बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। तदर्थ का मतलब होता है भैया एडहॉक, एडहॉक न्यायाधीश। इससे सवाल पूछता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कभी कभी जब कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, एडहॉक जो आपके जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, और वो किसके लिए, कि कोरम पूरा हो, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही ऐसा होगा। सीजीआई अगर करेगा तो उसमें प्रेसिडेंट की मंजूरी होना जरूरी है, इस बात को याद रखना। पता चले कि वहां उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आया तो खट से मार दिए, मंजूरी किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की चाहिए। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनका क्या रोल होता है न्यायपालिका में, देखिए अगर हम बात करें कि सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं, अगर सीजीआई ऑफ इंडिया को लगता है, चीफ जस्टिस जो है उसको लगता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है किसी भी को, अगर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है सीजीआई चाहे तो उसको फिर से काम करने के लिए अधिकृत कर सकता है, यह सीजीआई पर डिपेंड होता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। ठीक है, किसी को नियुक्त करना है तो उस व्यक्ति से पहले राय ली जाएगी, प्रेसिडेंट से तो राय लेना जरूरी ही जरूरी है, लेकिन बनाया जा सकता है, उसे फिर से कार्य में लाया जा सकता है। अब उच्चतम न्यायालय का स्थान भैया फिक्स है दिल्ली में, इसका स्थान जो है दिल्ली में फिक्स है अधिकार, लेकिन जो सीजीआई है इसको यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करें, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लेगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट से उसको पूछना होगा, उसके बाद वह उसका स्थान कहीं भी नियुक्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, यहां से सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, अब चूंकि लेवल अच्छा पूछा जाने लगा है तो यहां से सवाल आपके बहुत बनते हैं। अब उच्चतम न्यायालय भाई जब एक बैठा है केंद्र के स्तर पर तो जाहिर सी बात है एक को इतनी सारी पावर दी जाएंगी कि वह सारी चीजों को मैनेज कर सके। इसी में इसके बहुत अलग अलग क्षेत्राधिकार बताए जाते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का एक आपका क्षेत्राधिकार होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत कौन से मामले होते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वह कौन से मामले हैं जिन पर वो सुनवाई कर सकता है, ऐसा सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, तो इसको समझिए। देखिए, केंद्र व एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है या फिर केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ऐसा कोई विवाद चल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, दो या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, ठीक, ये सभी, या मान लीजिए संघीय, अगर संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में
विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। राज्य और केंद्र से संबंधित कोई मामला है तो यह मामला उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखिए, अगर संघीय विवाद पर, यह जो आपका पूरा बताया गया अभी विवाद कि राज्य केंद्र का मामला हो गया, इन सभी संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है, ठीक है। ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार किसी नाम से हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब, विशेष का मतलब क्या हो गया कि किसी अन्य न्यायालय को इस विवादों के निपटाने में कोई शक्ति इस तरीके से नहीं दी गई है। केवल आपका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये जितने मामले ऊपर आपको मैंने बताया, ये किस अधिकार के तहत, उसका प्रारंभिक अधिकार है, ठीक है। उसका मूल अधिकार यही है कि वो सबसे पहले अगर ऐसे मामले हैं तो उन मामलों का निपटारा करे। अब दूसरा बात करते हैं, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार इसका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, ठीक, नागरिकों के, क्योंकि इसको गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं, ठीक है, उसका संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश आदि न्यायाधीश जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे, ठीक है। न्यायाधीश मतलब रिट, इंग्लिश में रिट बोलते हैं, तो रिट संबंधी इसको अधिकार प्राप्त है। न्यायिक क्षेत्र के मामले में उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में ही न्यायाधीश जारी कर सकता है, इस बात को याद रखना। केवल फंडामेंटल राइट, आपको हक दिलाने के लिए ही यह जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्य से नहीं। जबकि अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय को रिट संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय से ज्यादा सकती है। उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायाधीश जारी कर सकता, साथ ही साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसको जारी कर सकता है। तो रिट के मामले में उच्च न्यायालयों को, जो राज्य के आपके उच्च न्यायालय होते हैं, इनको ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, पुनर्विचार इसका जो है क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। पुनर्विचार मतलब कोई मुद्दा है, कोई फैसला दिया गया तो उस पर यह फिर से क्या कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है। पुनर्विचार न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित चार शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता, कैसे, संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामलों में आपने सुना है कि किसी में कोर्ट ने कोई और निर्णय दिया, किसी में बाद में उस निर्णय को पलट दिया, ठीक है। संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय का कोई फैसला आया, आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं, तो आप जाइए उच्चतम न्यायालय में अपील करिए, ठीक। यदि उच्च न्यायालय इसे प्रमाणित करे कि मामले में कानून का पूरा प्रश्न निहित है, ठीक, तो वहां पर आप जा सकते हैं। दीवानी मामलों के अंतर्गत, दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे क्या कि मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है, तो इसको ले जाया जा सकता है। ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो भी वहां आप ले जाएंगे। और अब बात करते हैं आपराधिक मामलों की। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसले के खिलाफ सुनवाई उस समय करेगा जब, ठीक, उच्च न्यायालय ने किसी को सजाए मौत दे दी। राज्य के उच्च न्यायालय ने किसी को सजाए मौत दे दी और उसने उच्चतम न्यायालय में इसके विरुद्ध जाकर के अपील कर दी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उस मामले को। साथ ही साथ यह प्रमाणिक हो जाए कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। यदि उच्च न्यायालय में कोई अपील हो जिसके तहत आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सजा सुनाई गई हो, तब भी वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। उच्च न्यायालय खुद किसी मामले को किसी अधीन न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सजा सुनाई हो, तब भी वह उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है। अब सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है इसका, ठीक है। आपने पढ़ा है अनुच्छेद 143, ये कहता है कि राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय मांगने का अधिकार है, ठीक है, शक्ति है। एक, अगर कोई आपका पब्लिक इशू है, सार्वजनिक महत्व से जुड़ा मुद्दा है, तो इसके किसी मसले पर कानूनी सलाह राष्ट्रपति जो है सीजीआई से ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी पूर्व संवैधानिक संधि है, समझौता है, इन जो है मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, तो यह इसका सलाहकार जो है क्षेत्राधिकार है। अगली चीज,
पहले मामले में जब बात करते हैं प्रेसिडेंट, उस समय जब सलाह लेगा तो उच्चतम न्यायालय अपना मत दे सकता है, ठीक, और देने से भी इंकार कर सकता है। लेकिन जो दूसरा मामला यहां बताया गया, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। अगर पूर्व की कोई संधि उस पर बवाल हुआ और राष्ट्रपति ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना मत जरूर देगी, ये इसको जरूर किया गया है। अब एक बात आती है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप पढ़ते हैं, अभिलेख की अदालत, ठीक है, किसको कहते हैं अभिलेख की अदालत का अर्थ क्या है? देखिए, अभिलेखों की अदालत के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्तियां विशेष तौर पर दी गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां? एक तो ये कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही जो हो रही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, ठीक है। इसने जो फैसला दे दिया, आपके ऊपर कोई मुकदमा चलता है, अगर वो इन सबसे संबंधित है तो आप वहां साक्ष्य दे सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फलावाद में ऐसी ऐसे अपने फैसले में कहा था, ठीक। दूसरी चीज, इसके पास न्यायालय की अवहेलना पर दंडित करने का भी अधिकार है, ठीक है। अगर न्यायालय की अवहेलना हुई तो वहां पर दंडित करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अदालत की अवमानना सामान्य नागरिक प्रशासन संबंधी या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रशासन भी अवमानना कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, ठीक। किसी को भी, अभी आपने हाल ही में कोई प्रसंग सुना होगा, उसमें केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप कार्यवाही होने तक यहीं बैठे रहेंगे, ठीक, वो दंड दे सकता है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की भी इसको शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। ये जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, इस शक्ति के तहत जो है क्या करता है, केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी जो है गतिविधियों का परीक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। यदि इसमें उसे कोई हनन नहीं दिखता है तो वह इसे अवैध घोषित कर सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट को पावर है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता क्यों है, वो कुछ जरूरी बिंदुओं के लिए है। कैसे? संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन जरूरी है, साथ ही साथ संघीय समानता को बनाए रखना है, केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलन रखना है तो उसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन जरूरी है। तीसरी बात, नागरिकों के मूल अधिकारों की अगर रक्षा को लगातार बनाए रखना है तो उसके लिए भी जुडिशियल रिव्यू का होना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अन्य शक्तियों की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय की कई अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का या निपटारा करने का अधिकार है इसको, ठीक है। पूछता है कि अगर राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद है तो उस पर सुनवाई कौन करेगा, तो वह सुनवाई आपका उच्चतम न्यायालय ही करता है, संसद में वो सुनवाई नहीं होगी। अगली चीज, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनके व्यवहार व आचरण की जांच यही करेगा उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया गया, अगर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया तो यह उनकी जांच करेगा। यदि उसे दुर्व्यवहार का दोषी पाता तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात, अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की इसको शक्ति प्राप्त है, जो इसने फैसला दिया है उसकी फिर से वह समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगे, इसने जो कानून बना दिया वो हर एक न्यायालय को मानना पड़ेगा, ये उसके लिए हर एक न्यायालय के लिए आपके बाध्य हैं, जरूरी हैं, ठीक। और साथ ही साथ यह संविधान का अंतिम व्याख्याता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, यही संविधान को क्या करती है, जो इस हिसाब से ये एक्सप्रेस करती है उस हिसाब से फैसलों को लागू किया जाता है, माना जाता है। अब बढ़ते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की ओर। उच्च न्यायालय, हर एक राज्य में आपके उच्च न्यायालयों की स्थापना है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपके एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इस बात को आपको जानना जरूरी है। इसकी मूल रूप से तो देखा जाए आपका इलाहाबाद में है, लेकिन खंडपीठ आपके लखनऊ में है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि जो भारत की एकल न्यायिक व्यवस्था है, इसमें उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन लेकिन अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्टें होती हैं उनसे तो ऊपर होगा ही होगा। साथ ही साथ भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन आपसे पूछता है 1862 में, कब? 1862 में, तब हुआ जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, ठीक है।
इस समय भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं, केंद्र शासित राज्यों में केवल दिल्ली 21 नहीं 24 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय है। ठीक, 1966 से ये चीजें चल रही है। ठीक, तो ये उच्च न्यायालय को लेकर है कि हर एक राज्यों में, अभी बहुत सारे आपके केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप जानते हैं कि आपके जो मुख्य राज्य हैं उन्हीं के आसपास के इलाकों में उनको शक्तियां दे दी गई हैं कि वो इन इन राज्यों से संबंधित सुनवाई करेगा। कई राज्यों की एक संयुक्त भी आपकी जो है हाई कोर्ट बना दी गई है, इसका भी प्रावधान किया गया है कि इस राज्य से संबंधित, इस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय आपके क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सब कुछ व्यवस्था वही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, नियुक्ति भैया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यपाल के जो है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद होती है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जा सकता है। ठीक है, परामर्श ले सकता है कि भाई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो इसमें कौन कौन से लोग लाए जाएं। न्यायाधीशों के लिए योग्यता, ये न्यायाधीशों के लिए एक कंपलसरी सबसे जरूरी क्या है कि इसमें वो अगर भारत का नागरिक तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा है तो उसको जो है हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है अपने यहां। उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अगर अनुभव प्राप्त है तभी वह बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जज है तभी वह जज बन सकता। और तीसरी कंडीशन मैंने बता ही दी, क्योंकि नागरिक, अगर आपको नागरिक नहीं है तो आप न्यायाधीश के पद पर नहीं बैठ सकते। अगली चीज, शपथ। शपथ में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक, जिसको नियुक्त करने किया जाता है, पद संभालने से पहले राज्य के राज्यपाल के समक्ष वो शपथ लेगा। ठीक है, जैसे शपथ में वही चीजें, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण रखूंगा, संविधान कानून का पालन करूंगा, बिना डर भय राग द्वेष के निष्पक्ष रूप से मैं फैसले सुनाऊंगा। ठीक, ये उसको क्या दी जाती है, शपथ दिलाई दी जाती है। अब ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल सबसे पहले इसके पद भी खाली हो सकते हैं। कैसे, दो तरीके से। एक तो चीजें ये है कि उसकी नियुक्ति अगर उच्चतम न्यायालय में हो गई तो उच्च न्यायालय का पद उसे छोड़ना पड़ता है, और दूसरी बात, किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अगर स्थानांतरण कर दिया गया तब भी वह पद उसका खाली हो जाएगा। 62 वर्ष की आयु तक, उसमें 65 था इसमें 62, ध्यान रखना, गलत मत करना। ठीक है, यह अपना कार्यभार संभाल सकता है। यदि उसकी उम्र को लेकर सवाल उठते हैं तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर निर्णय लेता है। ठीक है, साथ ही साथ इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होता है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है और संसद की संस्तुत के बाद राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। अब यहां संसद की संस्तुत चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही सवाल आपके बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट से। अगली चीज है, संसद में प्रस्ताव लाने के बाद राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ प्रत्येक जो है सदन का समर्थन जरूरी है। ठीक है, मतलब 2/3 बहुमत मिलना चाहिए इस प्रस्ताव को। हटाने के दो आधार साबित होने पर चाहिए, पहला दुर्व्यवहार हो और दूसरा जो है अक्षमता हो, तभी हटाया जा सकता, वैसे नहीं हटाया जा सकता। अगर उसने दुर्व्यवहार किया है तो हटाया जा सकता, या वो अक्षम है तब उसको हटाया जा सकता है। अब वेतन भत्ते, आप जानते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता, सुविधाएं, अवकाश, पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित होगा। नियुक्ति के बाद उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती है, इस बात को याद रखना है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण आप जानते हैं, एक से दूसरे में भेजा जाना, तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश की नियुक्ति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। ठीक, स्थानांतरण पर उसे अतिरिक्त वेतन भत्ता जिन्हें संसद द्वारा तय किया जाता है वो मिलेगा ही मिलेगा भाई। ठीक, अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में भी आते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ठीक, अब उसमें वही चीजें हैं जो उसमें चलती हैं कि मान लीजिए उस समय CJI आपका हाईकोर्ट का CJI नहीं है तो उस दौरान उसकी नियुक्ति कर दी जाती है ताकि न्यायालय का कामकाज चलता रहे। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं, इसमें राष्ट्रपति ही सबको सब कुछ करता है। ठीक है,
और उच्च न्यायालयों की अगर शक्ति की बात करें तो शक्तियां भैया इसको भी कम नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, अपीलीय क्षेत्राधिकार इसका होता है, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का क्षेत्राधिकार है, अभिलेखों का ये भी न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये भी है, साथ ही साथ इसका भी मूल आपका क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक, और न्यायाधीश मेरिट क्षेत्राधिकार भी इसको प्राप्त है। और न्यायाधीश में मैंने बताया कि रिट जारी करने में इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट से आपकी ज्यादा होती है। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा कि केंद्र और राज्य संबंधी कोई विवाद है तो वह सभी सुप्रीम कोर्ट के मूलाधिकार के अंतर्गत, यहां पर उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कि प्रथम मामले में विवादों की सुनवाई हो, सीधे अपील करके नहीं, यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है। कौन कौन से मामलों में इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है? एक तो राजस्व मामला हो गया या राजस्व एकत्र करने में निर्देश है तो यह इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। दूसरी चीज, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों सदस्यों के निर्वाचन में कोई विवाद है तो वह इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। तीसरी बात, अधिकारिता का मामला है, वसीयत का मामला है, विवाह तलाक कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवहेलना है तो यह सभी मामले इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते ही आते हैं। अब बात करते हैं रिट क्षेत्राधिकार। यह सवाल पूछता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपके उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अब अनुच्छेद 226 जो है इसके अंतर्गत अगर देखें तो रिट को हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना। इसमें जो आपके पूरे के पूरे रिट जारी किए जाते हैं, रिट का मतलब बहुत अलग अलग तरीके से, खासकर यहां इतना ही ध्यान रखते हैं कि अगर किसी नागरिक के मूल अधिकार हनन हो रहे, शोषित हो रहे, उनका शोषण हो रहा तो उसके लिए यह रिट को जारी करेगा, ठीक। और रिट जारी करके ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, ठीक है। और रिट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर रिट में यह नहीं देखना कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, यहां फैसला लेंगे, यहां से ऊपर बढ़े, नहीं, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है और सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये आपको पावर है। आगे बढ़ते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। उच्च न्यायालय प्राथमिक अपीलीय न्यायालय है, ठीक है, प्रथम अपील जिसको आप कहते हो, अपने राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध सबसे पहले यहां सुनवाई करेंगे। ये नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आए आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आपको सबसे पहले उच्च न्यायालय से सारी चीजों को देखना होगा। यहां दोनों तरह के सामान्य नागरिक अधिकार एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है, ठीक है, चाहे दीवानी का मामला है चाहे फौजदारी का मामला है, दोनों के लिए यहां अपील आप कर सकते हैं। अगली चीज, दीवानी मामले में इसका इस संबंध में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नवत है। अगर दीवानी मामला है तो वहां पर क्या करेगा, ये प्रशासनिक निर्णयों से एवं अन्य ट्राइब्यूनल्स जो है उनसे अपील को उच्च न्यायालय की खंडीय बेंच के सामने रखता है, ठीक है, उसके सामने रखेगा। कोई न्यायाधिकरण का मामला है तो ऐसी अपील अगर किसी ने की है तो यह खंडीय बेंच को भेज देगा। साथ ही साथ जिला न्यायालय व अन्य अधीन न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो, ठीक, तथ्यों का नहीं, कानून का सवाल हो, उसको यह सुनवाई करेगा। साथ ही साथ सर्वप्रथम अपील जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपराधिक मामलों में, भैया इसकी क्या पावर है, दीवानी में तो हो ही गई, आपराधिक मामलों की जब बात करते हैं तो यह कुछ मामलों में आपराधिक कार्यवाही कोड कौन सा 1973 के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक। सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर जो दंडाधिकारी है या अन्य दंडाधिकारी, न्यायिक की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, वहां पर इन्होंने फैसला दिया तो उसकी आप जो है अपील जाकर के उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें सत्र और जो अतिरिक्त सत्र न्यायालय होते हैं इनके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील करेंगे जब किसी को 7 साल से अधिक की सजा है, ठीक है, 7 साल किससे ज्यादा की सजा होगी तब आप उच्च न्यायालय जाकर के वहां पर क्या करेंगे, अपील करेंगे। अगली चीज आती है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षण का अधिकार है इसको। उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने न्यायिक क्षेत्र के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियान्वयन को लेकर के, ठीक है, पर्यवेक्षण का मतलब क्या हुआ, ये देखेगा कि अच्छा मेरे अधीन ये न्यायालय है ये कैसा कार्य कर रहा है, पर्यवेक्षण यही तो हुआ, ठीक। ये क्या करता है कि ये जो इसके अधीनस्थ में न्यायालय आते हैं उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए कार्य की उपलब्धता करवाता है।
साथ ही साथ उन्हें वहां से बुला सकता है, उनकी कार्यवाही के संबंध में मुद्दे सामान्य नियम नियंत्रण आदि बनाता है कि आप ऐसे ऐसी कार्यवाही करेंगे। अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण कैसे आपके उच्च न्यायालय रखते हैं, तो इसमें आपने पढ़ा एक तो अपीलीय न्यायिक क्षेत्र और दूसरा पर्यवेक्षणीय अधीन न्यायालयों, जिनका ऊपर जिक्र किया गया भी, उन सभी को आप जानते ही जानते हैं कि उच्च न्यायालय क्या करता है, इन पर अपनी पकड़ मजबूत रखता है। अगर प्रशासनिक नियंत्रण, उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक नियंत्रण है और अन्य शक्तियां हैं, इनको समझिए कैसे, यह क्या करता है, अधीन न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है, बहुत दिन से चल रहा है तो उसको वापस ले सकता है, लाओ यहां। और राज्य की न्यायिक सेवा जैसे जिला न्यायाधीश के अलावा सदस्यों के अनुशासन, स्थानांतरण हो गए, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति हो गए, इन सभी मामलों को भी ये देखता है। तीसरी बात, इस जो है इसके कानून को उन सभी अधीन न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है जो इसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, इसके द्वारा जो कानून है वो सभी के सभी इसके अधीन न्यायालय मानेंगे ही मानेंगे, ये बाध्यता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, व्यक्ति विशेष की राज्य न्यायिक कोई और चीजें होती है, तो उन सभी में यह क्या होता है, सुप्रीम की भूमिका निभाता है। आगे इसमें बढ़ते हैं, इसको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अभिलेख का न्यायालय क्यों बोलते हैं, इसको भी दो शक्तियां प्राप्त है मूल रूप से, कौन कौन सी, इसे न्यायालय की अवहेलना पर दंड देने का अधिकार है, अगर आपने न्यायालय की अवहेलना की तो आपको दंड मिलेगा, चाहे वह साधारण कारावास हो या आर्थिक दंड हो, दोनों भी कर सकता है, ठीक है, एक दिन के लिए, 12 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आपको जेल भी भेज सकता है अगर आपने न्यायालय की अवमानना की तो। दूसरी चीज, फैसले, कार्यवाही और उच्च न्यायालय के कार्य अभिलेखीय याददाश्त एवं प्रमाण के लिए रखे जाते हैं, ठीक है, कि किसी फैसले में, किसी वाद में इसने जैसा फैसला दिया उसको भविष्य में किसी भी वाद में उस के फैसले को हम साक्ष्य के तौर पर रख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसको भी होती है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है, उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है यह देखने को मिलेगी आपको कहां, राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार के, ठीक, अगर कोई कर्मी है संवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं वहां पर। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के प्रावधान को दर्शाया गया, पूछता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही ज्यूडिशियल रिव्यू सिस्टम है, क्योंकि इसमें अल्पिक साफ तौर पर बताया गया है कि राज्य द्वारा जो अगर फंडामेंटल राइट्स के अल्पीकरण को लेकर कोई कानून बनता है, अनुच्छेद 13 यह कहता है कि अगर राज्य ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता है तो वह नंजीरो होगा, जिस हद तक वह मूल अधिकारों को प्रभावित करेगा उस हद तक वह कानून जीरो होता है, शून्य होता है, और इसी के तहत इसको पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अधीन न्यायालय, इनका जो जिक्र है ये छठे भाग में है, ठीक, अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक अधीन न्यायालयों की कार्यकारिणी स्वतंत्र रखने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें जिला न्यायाधीश होते हैं भैया, इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, और राज्य में जिला जजों की नियुक्ति है, स्थानांतरण है, पदोन्नति है, यह सब राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से ही किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश बनाया गया उसको योग्यता भी होनी चाहिए कंपलसरी, केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए, पहली योग्यता तो ये। दूसरी, वकील होना चाहिए या 7 वर्ष का समान अनुभव हो। तीसरी बात, उसका अनुमोदन उच्च न्यायालय द्वारा होना चाहिए, यह भी जरूरी है। उच्च अन्य न्यायाधीशों की जो जिला स्तर पर नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, राज्य न्यायिक सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति यानी जिला न्यायाधीश के अलावा इसके लिए राज्यपाल, उच्च जो है न्यायालय और साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग का परामर्श लेता है, दोनों के परामर्श से नियुक्ति देता है। अधीनस्थ अदालतों पर यह नियंत्रण रखता है, जिला अदालत एवं अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण, जिससे स्थानांतरण, पदोन्नति और राज्य न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति के हुए अवकाश का मामला आदि कोई मामला होता है उन पर यह नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ यह नियंत्रण अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, ठीक। तो ये पूरे आपके प्रावधान है जहां से सवाल बनते हैं, जो सवाल बनते हैं उन्हीं को मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक, जहां से धीरे धीरे सवाल उठाए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बताया, ठीक, बाकी ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें सारी चीजें आपकी व्यवस्थित ढंग से दी हुई है। तो उम्मीद है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक,
और फिर मिलेंगे एक नई आपके चैप्टर के साथ। तब तक मस्त होकर पढ़िए भैया, पढ़िए जरूर, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, पढ़िए। और जो वैकेंसी आ रही है आपकी 6130 पद है एसआई में, सिर्फ जो नागरिक आपकी पुलिस है इसमें 6130 पद है, 4600 कुछ पद आपके पुरुषों के लिए हैं और महिलाओं के लिए हैं, उसी में आपके अलग भी पद है, ठीक। नागरिक पुलिस में तो है ही है अच्छे खासे 5623 पद, साथ ही साथ अब की बार पिछली बार 3300 पद आए थे, 3300 पद में ही आपका अग्निशमक और वो सबको शामिल था पीएससी का कमांडेंट। इस बार पीएससी कमांडेंट अलग है, अग्निशमक जो है विभाग का अलग है, नागरिक पुलिस में ही 5600 पद है, 5623, तो बहुत बड़ी चीज है, अच्छे से मेहनत करिए, बाकी हम लोग तो वहीं हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।